प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान के तहत खास पहल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 1 अक्टूबर यानी आज 1 घंटे तक उत्तराखंड के हर शहर और हर गांव में स्वच्छता का श्रमदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उधर लक्सकर में RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों ने भी सुबह सवेरे झाड़ू थाम कर स्वच्छता का संदेश दिया। CM धामी ने शहीद पार्क पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर ये अभियान लिया गया है। इसमें है गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर, चाहे हमारी धर्मशालाएँ हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस संकल्प को लिया गया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हुई है, इस संकल्प को भी सिद्धि प्राप्त होगी।